अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये गांव है या डाकू का इलाका? मेरे गले पे हंसी आ रही है। मेरे बेटे को आंसू करने लेकर गए वो लोग। तुम्हें अभी इसी वक्त मुझसे माफी मांगनी होगी, वो भी नाक रगड़कर। 3 दिन, 3 दिन में मुझे शादी करवानी है। चलो, इस पोटली में बांध दिया तुम्हारे पापा का सारा प्यार। अब शादी के बाद इसे गले लगाकर सिसकती रहना, क्योंकि ये लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। अब तिलक विधि यहाँ समापन हुई। अपने माता पिता का आशीर्वाद ले लीजिए। खुश रहो। खुश रहो बेटा। मुबारक हो आप लोगों को। बधाई हो, बधाई हो। अरे कोई मिठाई लेके आओ। बहुत बहुत बधाई हो, रिश्ता पक्का हो गया। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो आंटी। बधाई हो बेटा, ये लो सब लोगों में बांट दो। बधाई हो। बधाई हो तुम्हें भी। अरे चलो ना, डांस करते हैं। आओ। माँ जी आप आइए ना, आइए। जिसका तिलक हो रहा है ना, पूजा में शराब पी के बैठा है। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, जब तुम अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी, तुम्हारे कमरे में चाकी कर रहा था वो, तुम्हारा वीडियो बना रहा था। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हें ऐसे लड़के से शादी करनी चाहिए? पापा, हमें आपसे कुछ कहना था। रोहन अच्छा लड़का नहीं है पापा। वो शराब पिए हुए और वो हमारे कमरे में ताक चाक भी कर रहे थे। मौली, मौली क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना, लड़की अपने तिलक में नहीं आती। छोटी माँ, बस जाहिर है, वो हमें आपको बस ये बताना था कि क्या मतलब यार ने हमें बोला कि वो रोहन, उन्होंने शराब पी है। क्या? हाँ, वो हमारे कमरे में चप्पी कर रहे थे। मौली क्या कह रही हो? रोहन अच्छे घर का लड़का है। छोटी माँ, विश्वास तो हमें भी नहीं हो रहा था, और हम आपसे कभी नहीं कहते। पर बयान को हमारी बहुत फिक्र हो रही थी। उसकी फिक्र गलत भी नहीं है। हमने हमने खुद उन्हें लड़खड़ाते हुए देखा है। छोटी माँ, हमें ये बात पापा को बतानी चाहिए। नहीं मौली, मौली सोचो, अगर तुम्हारी बात गलत हुई तो फिर से सब तुम्हें ही दोष देंगे। हाँ नहीं, तुम यहां से
और कलचुक करम जल्दी अपने ही तिलक में घुसाई है, ना जाने और काका देखना बाकी है इन बूढ़ी आंखों को। अरे अपनी नहीं तो कम से कम हमारी मान मर्यादा का ख्याल तो रखा होता। निर्लज्ज कहेगी, चल निकल यहाँ से। नहीं दादी, बस दो मिनट, हमें पापा से बहुत जरूरी बात करनी है दादी, प्लीज। बात करनी है कि पतंगर बनाना अपनी शादी का, चल निकल। नहीं दादी, बनता धार पापा। अरे पापा, मैं आपसे बहुत जरूरी बात करनी है पापा। जा पापा। नहीं माँ, आज पहली बार मौली अपने पापा के लिए नहीं, अपने लिए कुछ कहने जा रही है। आज मत रुकिए माँ। मौली को रोकना होगा, नहीं तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। पापा, आप जिससे चाहे उससे हमारी शादी करवा लीजिए, पर हमें आपसे कुछ कहना था। सजा देने से पहले सच्चाई जानना बहुत जरूरी है गायत्री जी। बयान ने बोला है, सच तो जानना होगा। और वो हमारे कमरे में ताकचाक भी कर रहे थे। ऐसा है कि तुम तो चाहती नहीं हो कि रिश्ता हो, तभी तो इतने शुभ दिन पर इतना बड़ा सफेद झूठ कौन बोलता है। नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे पापा। अब हम पर भरोसा करे ना करे, पर प्यार पर तो करते हैं ना। प्यार ने खुद हमें बताया है। जन्म का बदला ले रही है लड़की हमसे। अरे तुम्हें अच्छे घर की लड़की समझ के तुमको माफ कर दिया था, पर तुम तो बिच्छू की तरह डंक मार रही हो हमारी इज्जत पर। ठाकुर साहब, ऐसा है कि हम लड़के वाले हैं, और जब तक आप इस बेइज्जती की सजा इस लड़की को नहीं देंगे ना, तब तक ये शादी आगे नहीं बढ़ेगी। हाँ सजा देने से पहले सच्चाई जानना बहुत जरूरी है गायत्री जी। केवल उस लड़की ने बोला होता तो हम उसकी बात कभी नहीं मानते। बिहान ने बोला है तो सच तो जानना पड़ेगा। सही कह रहे हैं, शादी ब्याह भरोसे का मामला है, किसी को भी कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए।
ठाकुर साहब, रोहन यही है, अभी पता चल जाएगा कि सच क्या जाएगा कि सच क्या है। शराब पी है, मैं वो कह रहा था तुम्हारी तो ना शराब, शराब की गंध। ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे तो रोहन के मुंह से इलायची की खुशबू आ रही है। मौली, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो तुम सीधे बोल सकती हो। किसी अच्छे लड़के पर इस तरह का इल्जाम लगाना ठीक तो नहीं है ना बेटा। चुट बोलेगा। एक्चुअली गलती बयान की नहीं, मेरी है। उस दिन मैंने गुस्से में बयान को नौकर का बेटा बोल दिया था। शायद यही बात बयान को बुरी लगती। बात बदलो मत। मैंने खुद देखा तुम्हें कि तुम मौली के कमरे में ताक झांक कर रहे थे। और इतना ही नहीं, ये मौली का वीडियो बना रहा था। एक्चुअली मैं मौली के रूम के दरवाजा बंद कर रहा था, पर वो क्या है ना कि जब मन में हो गंदगी तो आंखों में भी दिख जाती है। तो अब बोलो बियान, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? क्योंकि तुम्हारा ये गुस्सा और ये तोड़फोड़ करना इस घर के होने वाले दामाद पर सवाल उठाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें किसी वजह से मौली की शादी मुझसे होने देना नहीं चाहते? की शादी मुझसे होने देना नहीं चाहते? तुम बस एक बार अपना ब्लड टेस्ट करवा लो, फिर सबको पता लग जाएगा कि तुम्हारे खून में कितनी सच्चाई है और कितनी शराब। ठाकुर साहब, आपकी लड़की से शादी करने के लिए मेरे लड़के को और कितने टेस्ट देने होंगे? ये जानते हुए भी कि ये पैदा हुई तब इसकी मां मर गई, ये अपने नवजात भाई को खा गई और पूरा गांव इसे अपशगुन ही कहता है। मैं अपने बेटे की शादी इस लड़की से कराने के लिए तैयार हो गई। और माफ कीजिए, हम भी वही चाहते हैं। जैसे मौली की सच्चाई सबके सामने है, वैसे ही इस रोहन की सच्चाई भी। हर बात की एक सीमा होवत है। माफ कीजिएगा छुटकी ठकराई, पढ़ाई लिखाई ने इसका दिमाग खराब कर दिया है। चलो साहब, ऐसा है कि हम लड़के वाले हैं और आज से पहले लड़के वालों की इतनी बेइज्जती कभी कहीं नहीं हुई होगी।
भाई आपने क्या किया? मुझे आप क्यों लेकर आई वहां से? माँ मैंने कुछ गलत नहीं कहा, बताइए तो सही मैंने गलत अरे क्या गलत? अरे इससे ज्यादा गलत क्या होगा? जिस बात का हमेशा से डरता वही हुआ, तेरा और मौली का नाम जुड़ने लगा है साथ में, जुड़ने लगा है साथ में। भगवान, हम वालों के सामने क्या मुंह दिखाएंगे? क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? भगवान, बोले ना माफी। क्या कर रही है आप ये? बात सुनिए तो सही। सामने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। क्या पागल बने हैं? क्या कर रही हो तुम ये? छोड़ो। अरे जिस बच्चे के कारण हम गांव में सर ऊंचा करके घूमते थे, आज उसी के कारण हमारा सर नीचा हो गया। अरे तुझे क्या पता हा? गांव में ना जैसे सिलबट्टे में चट्टी पीसते हैं ना, वैसे हमारी इज्जत पीस दी जाएगी। भगवान, अब हम कैसे दुनिया के सामने मुंह दिखाएंगे? जिलत भरी जिंदगी से तो अच्छा हम अच्छा कर रहे हैं। इसमें इज्जत और बेइज्जती की बात कहां से आ गई? माँ मौली मेरी बचपन की दोस्त है, माँ मेरी जिम्मेदारी है उसको बर्बाद होने से बचाना। पर बेटा, ठाकुर साहब ने तुझे जिम्मेदारी दी है कि तू मौली की शादी कराए, उसकी शादी तोड़ाए नहीं। पर माँ वो लड़का क्या? वो लड़का, उस लड़की मौली ने तुझ पे क्या जादू कर दिया बेटा? देख, मैं तेरे सामने यहाँ मरने जा रही हूँ और तुझे अभी भी उसी की चिंता लगी हुई है। माँ, इससे तो अच्छा है ना हम खुद को वादा भी कर देते। माँ तुम क्या चाहती हो बोलो। माँ गायत्री जी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हमारा मतलब आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था। लेकिन क्या करें, वो बिहान। अरे ठाकुर साहब, जो बीत गई सो बात गई। इतना बड़ा खुशी का दिन है, दो परिवार एक होने जा रहे हैं। हमें तो बस इस बात की खुशी है कि सारी गलतफहमी दूर हो गई। गायत्री जी, आपका बड़प्पन है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि विदाई के दिन हम भी अपना बड़ा दिल दिखाएंगे। क्या चाहती हो तुम? 25 साल में बेटा तू ये नहीं समझ पाया कि तेरी माँ क्या चाहती है? बेटा तुझे कलेक्टर बनाने का सपना देखा है हमने, और तुझे कलेक्टर बनाने के लिए ना हम रात रात भर जागे हैं। तेरा पढ़ाई में मन लगा रहे, इसलिए अपने आप को झाड़ू पोछा और बर्तन में कपा दिया है हमने तेरे लिए। बेटा अगर मौली की शादी ठाकुर साहब करना चाहते हैं और वो खुद शादी करना चाहती है तो बीच में क्यों रोड़े अटका रहा है? माँ मैं तो बस अब तू कुछ नहीं करेगा, तू मौली से दूर रहेगा। तेरा नाम मौली के साथ नहीं आना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ ना, मैं तेरे सामने यही खुद को भस्म कर लूंगी। जिसका तिलक हो रहा है ना, वो पूजा में शराब पी के बैठा है। जब तुम अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी, तुम्हारे कमरे में ताका जाके कर रहा था वो, तुम्हारा वीडियो बना रहा था। ध्यान कभी गलत नहीं होता। नहीं, लोग चाहे कुछ भी कहे, हमें एक बार विहान से बात करनी होगी।
मौली बेटा कहाँ जा रही हो? वो छोटी माँ, बस एक बार बिहान से बात करके आते। मौली तुम्हें इस वक्त बिहान से नहीं रोहन से बात करनी चाहिए। रोहन से? पर मौली तुम्हारे कहने पर मैंने खुद रोहन की जांच की, उसने शराब नहीं पी थी। सोचो उसे कितना बुरा लगा होगा। पर छोटी माँ, हमने ने खुद देखा था लड़खड़ाते हुए, और हो सकता है ना वो शराब की बदबू दबाने के लिए इलायची खा लियो। जितनी भोली है उतना तेज दिमाग चलता है इसका, इससे पार पाना इतना आसान भी नहीं। मौली रोहन तुम्हारा होने वाला पति है, उस पर इतना शक करना ठीक नहीं। और पता है इतना कुछ होने के बाद भी वो खुद तुम्हारे पापा के पास गया था तुमसे बात करने की इजाजत लेने के लिए। हमसे बात करने के लिए? पर हमसे बात करने की क्या जरूरत है? मौली रोहन शहर का लड़का है, हो सकता है तुमसे बातचीत करके वो तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाहता हो। और तुम्हारे मन में भी अगर कोई सवाल हो तो तुम उसे सीधा पूछ सकती हो ना। छोटी माँ, हमारे मन में ऐसा कोई सवाल नहीं है, हमें तो बस ध्यान से समझना है। तुम्हारे पापा ने रोहन को इजाजत दे दी है और वो खुद चाहते हैं कि तुम उससे बात करो। और पता है आज रात रोहन के दोस्त भी आ रहे हैं, अब इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा एक दूसरे को समझने का। छोटी माँ, पर मौली पिछले दो दिनों से तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा का सर दो बार शर्म से छुप चुका है, अपने लिए ना सही अपने पापा की इज्जत के लिए। चली जाओ बेटा, अगर तीन दिन तक शराब के बारे में सोचा भी तो। मौली को मैंने बुलाया है रोहन से मिलने को, तुम्हें मौली का भरोसा जितना होगा। उसे बहलाओ, फुसलाओ, मीठी मीठी बातें करो, जो करना है करो, ये रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। मौली खबरदार अगर तीन दिन तक शराब के बारे में सोचा भी तो। मौली को मैंने बुलाया है रोहन से मिलने को, तुम्हें मौली का भरोसा जितना होगा। उसे बहलाओ, फुसलाओ, मीठी मीठी बातें करो, जो करना है करो, ये रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। मौली